कि बिहार में शराब बनती कैसे है और बनती है तो बिकती क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, आपका मद्य निषेध विभाग कहाँ है, कभी छपरा में मरता है तो कभी सारण कभी सिवान में मरता है, आज जो है आपका जो है जहरीली शराब मोतिहारी में आतंक मचा दिया है, हमको बताइए माननीय मुख्यमंत्री साहब, पियेंगे तो मरेंगे, अब क्या हो गया, क्यों 4 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या 2024 और 2025 को देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, जवाब दीजिए आप। 16 से 23 आ चुकी है, 7 साल हो चुका है, 7 साल में शराबबंदी ग्राउंड पर पूर्ण रूप से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, और जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि बीजेपी राज्य में जाकर के देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी राज्य में देखिए, वहां पर भी फेल्योर है, वो भी जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन आप बताइए आप क्या करते अपने बिहार में, जिसके घर के जो लोग हैं जो कमा रहे थे वो आज पी करके जो मजदूर जो आज नहीं रहे, उसके परिवार की स्थिति क्या होगी, क्या कभी आपने समीक्षा की है कि इस साल में या जो 2016 से अभी जो मर रहे हैं उसकी स्थिति क्या हो हुई है, उसकी परिवार की स्थिति क्या हो रही है, उसके जो है बच्चे जो है कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसके बच्चे किस हालात में जी रहे हैं, कभी आपने देखा है 6 साल 7 साल के बच्चे का जो फोटो आता है वीडियो आता है तो लोग को देख करके अंदर से तकलीफ होती है कि बिहार का बच्चा अब कैसे पढ़ेगा, ये बिहार का बच्चा जो है कैसे रहेगा, इसके पापा ही नहीं रहे, घर के जो कमाने वाले थे वो अब नहीं रहे, बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आप सख्त कानून या सख्त व्यवस्था नहीं रख सकते हैं तो ऐसा कानून क्यों लगाए हैं जिससे बिहार को राजस्व में भी घाटा हो रहा है, उसके बिहार के लोग भी मर रहे हैं, अब हमको बताइए जहरीली शराब से पहले जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी क्या इतने लोग मर रहे थे, क्या इतने लोग मर रहे थे जितने लोग जो है शराबबंदी में मर रहे हैं, कई जो है घर है आज जो है सुनसान पड़ा हुआ है, कई घर में आज चूल्हा नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि जहरीली शराब पी करके उनके घर के जो परिवार के सदस्य थे या हो सकता है जो कमुआ पूत थे अब नहीं रहे, बिहार के हैं, दुख होता है दर्द होता है जब बिहार के लोग इस तरह से जहरीली शराब से मरते हैं, और बिहार सरकार जो है 4-4 लाख रुपया घोषणा ऐसे करती है जैसे लग रहा है कौन ताजमहल बना रहे हैं बिहार में, ऐसे घोषणा करती है 4 लाख रुपये मृतकों के आश्रितों को हम दे रहे हैं। 2016 में शराबबंदी हुई लेकिन अभी तक पूर्ण शराबबंदी बिहार में नहीं हो पाई, कागज पर तो पूर्ण शराबबंदी है लेकिन बिहार में अभी भी पूर्ण शराबबंदी नहीं हुई, माननीय नीतीश कुमार जी 2016 से पूर्ण शराबबंदी का ढोल पीट रहे पूरे बिहार में, लेकिन अभी तक क्या वजह है कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में नहीं हो पाई है, नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग अभी बिहार में या शराबबंदी से या जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, आज तो आपने 4-4 लाख रुपया घोषणा कर दिए हैं, एक IPRD है जो बिहार सरकार की डिपार्टमेंट से जो यहाँ पर ट्विटर पर ये ट्वीट किए हैं, IPRD डिपार्टमेंट से ट्वीट ये आई है कि 4-4 लाख रुपया मृतकों को मिलेगी, अब हमको बताइए मृतकों को 4-4 लाख रुपया देने से क्या उनके घर के जो मृतक हैं वो वापस आ जाएंगे, कई माँ जो है आज अपने सपूत खो दिए हैं या बेटा खो दिए हैं, कई जो बच्चे हैं आज अपने सर से पिता का साया खो दिए हैं, अब उसका जिम्मेदार कौन होगा, करीब 30 लोग बिहार में जहरीली शराब से पी करके मर चुके हैं, इसका जिम्मेदार कौन है मुख्यमंत्री जी मुझे बताइए। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए, पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20000 तक कमा सकते हैं, और हाँ EMI का सुविधा भी उपलब्ध है, ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 30 लोग जो जहरीली शराब पी करके अभी मरे हैं इसका जिम्मेदार कौन है, 2016 में आपने शराबबंदी की लेकिन 2016 में शराबबंदी जो की उसका असर क्या हुआ, बिहार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है राजस्व में लेकिन शराबबंदी आपका अभी भी सफल नहीं रहा, पहले तो बोलते थे आप कि पियोगे तो मरोगे या पियेंगे तो मरेंगे, अब क्या हो गया, क्यों 4 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या 2024 और 2025 को देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, जवाब दीजिए आपसे, मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं, पहले तो आप बोलते थे कि पियेंगे तो मरेंगे, अब क्या हो गया, क्यों 4 लाख रुपया दे रहे हैं आप, उनके आश्रितों को क्यों 4 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपकी पॉलिसी में कमियां हैं इसीलिए 4 लाख रुपया दे रहे हैं, जो मृतक के परिवार है जिनको आप 4 लाख रुपया देने का वादा कर रहे हैं कि 4-4 लाख रुपया मिलेगा, क्या 4-4 लाख रुपया देने से उनके मृतक वापस आ जाएंगे, उन बच्चे का जो पिता है कि वह वापस आ जाएंगे, कई जो है घर है आज जो है सुनसान पड़ा हुआ है, कई घर में आज चूल्हा नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि जहरीली शराब पी करके उनके घर के जो परिवार के सदस्य थे या हो सकता है जो कमुआ पूत थे अब नहीं रहे, मानते हैं वो दारू पिए गलत किए, बिहार में शराबबंदी है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए था,
लेकिन आप हमको ये बताइए कि बिहार में शराब बनती कैसे है और बनती है तो बिकती क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपका मद्य निषेध विभाग कहाँ है? कभी छपरा में मरता है तो कभी सारण, कभी सिवान में मरता है। आज जो है आपका जो है जहरीली शराब मोतिहारी में आतंक मचा दिया है। हमको बताइए माननीय मुख्यमंत्री साहब, 2016 से 2023 हो गई है, कितना साल हुआ है? 7 साल हो चुका है। 7 साल में आपका जहरीली शराब जो है ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? आपके अधिकारी पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, करोड़ों रुपये अधिकारी पर खर्च होते हैं। स्कूल के टीचर को लगा दिए हैं जो दारू वाले को पकड़ो, लेकिन क्या हुआ, क्या असर हुआ? अगर आप सख्त कानून या सख्त व्यवस्था नहीं रख सकते हैं तो ऐसा कानून क्यों लगाए हैं जिससे बिहार को राजस्व में भी घाटा हो रहा है, उसके बिहार के लोग भी मर रहे हैं। अब हमको बताइए जहरीली शराब से पहले जब बिहार में शराब बंदी नहीं थी, क्या इतने लोग मर रहे थे? क्या इतने लोग मर रहे थे जितने लोग जो है शराब बंदी में मर रहे हैं? बेशक नहीं। अभी जो है शराब बंदी हो चुकी है, बिहार में जहरीली शराब जो है आतंक मचाई है, करीब 30 की मौत जो है जागरण बता रही है, करीब 30 की मौत हुई है और कई लोग जो है अभी भी हॉस्पिटल में हैं। इसके बाद विपक्ष के साथ साथ बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे नेता जो हैं ट्वीट किए हैं। मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ कौन कौन नेता जो है इस पर ट्वीट करके बताए हैं, कौन कौन नेता जो है चीज़ आपको दिखा रहे हैं। एक तो सबसे पहले नित्यानंद राय जी ट्वीट किए हैं, नित्यानंद राय जी ट्वीट किए बिहार में जहरीली शराब से हो रही है मौतें के लिए बिहार की JDU RJD महागठबंधन सरकार जिम्मेदार है। मोतिहारी में जिस तरह से जहरीली शराब ने बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, वह संवेदनहीन और अहंकारी महागठबंधन सरकार का क्रूर चेहरा दिखाती है। ये नित्यानंद राय जी की ट्वीट किए हैं। अब नित्यानंद राय जी पॉलिटिकल कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप भी इस बिहार के सत्ता में थे, उस समय माननीय नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं सलाह दिए? बिहार शराबबंदी में क्यों नहीं आपने साथ दिया कि पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए? बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कहीं जो है यूपी से आती है, कहीं झारखंड से आती है, कहीं नेपाल से आती है, अलग अलग राज्य से आती है शराब। ठीक है, विदेशी शराब या अलग अलग राज्य से शराब आती है वो जान नहीं लेती है, लेकिन बिहार में जो शराब बनती है, जो जहरीली शराब छुपा करके जो लोग बनाते हैं या अलग अलग जगह पर जो शराब बनती है और 100 रुपये और 20 रुपये में स्प्रिट जो बिकती है, उससे कई लोग मरे हैं। आप डेटा देख लीजिए, कभी एक महीना पर जो है 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग, 10 लोग मरते हैं, अभी तो 30 लोग के आसपास में बता रही है जागरण, जो 30 लोग बिहार में शराबबंदी से मौतें हुई है। अब बताइए 30 लोग क्या कम होते हैं? अब माननीय मुख्यमंत्री साहब 4-4 लाख दिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे नेता जो है ट्वीट किए, सम्राट चौधरी जो ट्वीट किए हैं जहरीली शराब से हुई मौतें हादसा नहीं बल्कि शराब माफिया द्वारा रचित एक नरसंहार है। ये सम्राट चौधरी जो भी विपक्ष में है उन्होंने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मृतकों से कोई हमदर्दी नहीं है, शराब माफिया खुले फर्जी शराबबंदी का मखौल उड़ा रहे हैं, सत्ता की सह पर अवैध शराब का एक तंत्र विकसित हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये सत्ता का मखौल नहीं उड़ा रहा है या सत्ता के तंत्र इसमें नहीं है तो हमको बताइए, 16 से 23 आ चुकी है, 7 साल हो चुका है, 7 साल में शराबबंदी ग्राउंड पर पूर्ण रूप से क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ है? और जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि बीजेपी राज्य में जाकर के देखिए। मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी राज्य में देखिए, वहाँ पर ही फेल्योर है, वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन आप बताइए आप क्या करते अपने बिहार में? 7 साल में कितना राजस्व का घाटा हुआ है? इससे पहले भी मुख्यमंत्री बिहार में जो है जब कर्पूरी ठाकुर थे उन्होंने बंद किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने चालू कर दिया। क्यों चालू कर दिया बताइए, इसके जिम्मेदार क्या है? क्यों चालू कर दिया उन्होंने? उस समय राजस्व घाटा हो रहा था, अभी भी राजस्व का घाटा हो रहा है। आप जो है हर स्टेज पर जाकर के चर्चा करते विशेष राज्य दर्जा का, विशेष राज्य दर्जा आप मांगते हैं, हमको बताइए विशेष राज्य दर्जा आपको क्यों मांगना पड़ रहा है? क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, गरीब राज्य में आपने शराबबंदी इंप्लीमेंट की, कई लोगों ने तारीफ की, हम भी तारीफ करते हैं कि शराबबंदी आपने लाया और आपका सोच था कि गरीब लोग शराब पी करके जो है अपना घर विकास नहीं कर पाता है, महिला जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है ज्यादा होती थी उस समय में। लेकिन अब बताइए हमको आप, क्या इससे क्या हो रहा है? क्या इससे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बढ़ रहा है? क्या इससे डोमेस्टिक वायलेंस तो छोड़िए, उनका घर का सत्यानाश हो रहा है। जिसके घर के जो लोग हैं जो कमा रहे थे वो आज पी करके जो मजदूर जो आज नहीं रहे, उसके परिवार की स्थिति क्या होगी? क्या कभी आपने समीक्षा की है कि इस साल में या जो 2016 से अभी जो मर रहे हैं उसकी स्थिति क्या हो हुई है, उसकी परिवार की स्थिति क्या हो रही है, उसके जो है बच्चे जो है कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसके बच्चे किस हालात में जी रहे हैं? कभी आपने देखा है 6 साल 7 साल के बच्चे का जो फोटो आता है, वीडियो आता है, तो लोग को देख करके अंदर से तकलीफ होती है।
कि बिहार का बच्चा अब कैसे पढ़ेगा, ये बिहार का बच्चा जो है कैसे रहेगा, इसके पापा ही नहीं रहे, घर के जो कमाने वाले थे वो अब नहीं रहे। बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके क्षेत्र में भी कई बार ऐसा घटना हुआ है, लेकिन इवन की कई सारे ऐसे रिपोर्ट के भी दबा दिया जाता है, छोटी मोटी रिपोर्ट बाहर नहीं आती है, ये रिपोर्ट तो बहुत बड़ा है, कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में मरे हैं लोग, लेकिन अब देखिए अब क्या होता है, कितनी संख्या में मौतें होती है ये कुछ समय के बाद ही पता चलता है। अभी जागरण के हिसाब से 30 जो है बताया जा रहा है, 30 जो है लोग की मौत हुई है, 30 लोगों की मौत अभी मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई है। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंत में, इसका जिम्मेदार कौन होगा आप बताइए? आप जो सस्पेंड किए हैं, ठीक है, आप वो सस्पेंड तो मोहरा है, सिर्फ एक जिला में नहीं हो रही है, अलग अलग जिले में हो रही है, सिवान में हुआ, छपरा में हुआ, सारण में हुआ, अलग अलग जिले में हो रही है, पश्चिमी चंपारण में हुआ, हर का जिम्मेदार कौन है? क्या नीति में आपकी कमियां नहीं दिख रही है, इसकी समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? और समीक्षा की रही है, समीक्षा अगर आप कर रहे हैं तो खुली आंखों से क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो है ये पूरे बिहार में भी गुस्सा बना हुआ है, और सिर्फ इसको राजनीतिक रोटी मत बनाइए। 4 लाख रुपए दे दिए उसे, उसके आश्रितों को, और जो है ट्विटर पर जो है आपने ट्वीट करवा दिया APRD से, बेशक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के हैं, दुख होता है, दर्द होता है जब बिहार के लोग इस तरह से जहरीली शराब से मरते हैं, और बिहार सरकार जो है 4-4 लाख रुपया घोषणा ऐसे करती है जैसे लग रहा है कौन ताजमहल बना रहे हैं बिहार में, ऐसे घोषणा करती है, 4 लाख रुपये मृतकों के आश्रितों को हम दे रहे हैं। अब बताइए जहरीली शराब से जो मर रही है उसके 5 साल के बाद उसके परिवार की स्थिति क्या होगी? क्या नीतीश कुमार जी इस बारे में सोचे हैं? कभी कभी नहीं सोचे हैं, क्यों नहीं सोचे इसके बारे में? सोचिए माननीय मुख्यमंत्री साहब, खुली आंखों से सोचिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। हो सकता है आपको ये बात बहुत कड़वी लग रही हो, क्या करिएगा, बहुत दुख है, दुख इसलिए है, अभी अंतरात्मा जो है अभी रो रही है, इसलिए रो रही है कि बिहार का बच्चा जो है, जिसके परिवार जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जो 30 व्यक्ति जो बिहार में अभी मरे हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद और भी 1-2 दिन में पूरा रिपोर्ट पता चलेगा कि कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पर, उसका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? ठीक है वो चले गए, शराब पिए निकल गए भी इस दुनिया से, उनके बच्चों का क्या होगा ये सोचिए कभी। आपके सरकारी स्कूल, सरकारी शिक्षालय की स्थिति क्या है बताने लायक नहीं है, बताएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। बाकी अगर वीडियो अगर आपको ज़्यादा खराब लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस पर जरूर एक बार खुली आंखों से सोचिएगा माननीय मुख्यमंत्री साहब। और जो लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को सलाह दीजिए कि जल्द से जल्द इस पर समीक्षा करिए, और सही से समीक्षा करिए, ताकि बिहार का जो भविष्य है अब जो आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा उस पर जो है अंकुश लगेगा जल्द से जल्द। बाकी देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा है, गुस्सा से इसलिए बोल रहा हूँ और इस स्थिति में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये बात जो है हजम नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि हमारे बिहार के 30 लोग जो है अभी जान गंवा दिए हैं और उनके परिवार के बच्चे जो है अब सड़क पर भटकेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात हजम नहीं हो रही है, गुस्सा से जो है मन बेकाबू हो चुका है। नीतीश कुमार जी, अब जो आप चाहते हैं वो करिए बिहार में, लेकिन शराबबंदी पर जरूर जो है, चाहे तो पूर्ण शराबबंदी करिए, जो एक पैक कहीं नहीं बिके, एक पैक कहीं नहीं बने, या नहीं तो इसको ख़त्म कर दीजिए आप। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे चलाना है सरकार, जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाइए, अब ऐसे चलाना है या उसमें बदलाव करना है ये आप ही की इच्छा पर डिपेंड करेगा, आप ही इसका निर्णय ले पाइएगा। हम तो सिर्फ आपको एक आईना दिखाएंगे, आईना दिखा रहे, बुरा लगेगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो जो है विवश होकर के बना रहा हूँ। देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।